नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। जांजगीर चांपा विधानसभा का मतगणना संपन्न, बीजेपी प्रत्याशी नारायण चंदेल को 65,929 मत मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप को 72,900 मत मिले। इस तरह से व्यास कश्यप ने 6,971 मतों से जीत हासिल की। रिटर्निंग अफसर ने दिए प्रमाण पत्र, जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने प्रमाण पत्र दिए। पूरी खबर देखें जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में दीपक यादव के साथ। और आपकी जीत हुई है, देखिए निश्चित रूप से यह जनता की जीत है। जनता चाह रही थी कि यहाँ नया प्रत्याशी है और कांग्रेस ने नया प्रत्याशी यहाँ उतारा। हम पूरे कार्यकर्ताओं के बल पर इस विधानसभा चुनाव पे डटे रहे और इवन मतगणना तक हमारे कार्यकर्ता अपने टेबल तक बैठे रहे। भले ही हम पहले राउंड में आगे हुए, दूसरे राउंड में कुछ कम वोट से आगे रहे, पर अंतोगत्वा आगे पीछे होता रहा, परंतु हमारे कार्यकर्ता डटे रहे अंतिम समय तक। चूंकि हमें पता था परिणाम जांजगीर चांपा विधानसभा में जीत व्यास कश्यप और कांग्रेस की सुनिश्चित है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी मतदाता भाई बहनों को जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देकर व्यास कश्यप के ऊपर भरोसा दिलाया और व्यास कश्यप भी भरोसा दिला रहा है। हमारे पूरे इस जांजगीर चांपा विधानसभा के कार्यकर्ता मतदाता सभी को, आप सबके लिए एक जन सेवक के तौर पर मैं सदा उनके पास समर्पित भाव होकर मैं काम करूंगा और आने वाले समय में यहाँ पुनः कांग्रेस बढ़े और आगे रहे, ऐसा प्रयास मेरे द्वारा होता रहे। 13वां राउंड के बाद आपकी स्थिति कुछ कैसा लग रहा था? नहीं, कहीं पे मैं चिंतित नहीं था। मैंने कार्यकर्ताओं को भी कहा था कि आप धैर्य रखना, जांजगीर चांपा 105 बूथ तक अगर हम 5-6 हजार से भी अगर पीछे रहेंगे उसके बावजूद भी हमारी जीत तय होगी। कार्यकर्ता इस बात को, मेरी बात को भरोसे पे रखे और वह खड़े उतरे। उन मैं सभी मतदाताओं को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। यह तो चुनाव में हार जीत लगा रहता है, किसी की तरफ जो समर्थन किए हैं मैं आभारी हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ, पर मैं अपने आप को भी इस बात के लिए ध्यान दूंगा कि किस जगह से मैं, किस पोलिंग से मैं पीछे रहूं। आने वाले समय में मेरा प्रयास रहेगा कि उनका भी सम्मान रहे और अपने आप को मैं कमजोर मानता हूं इस विषय पे कि कहीं हमारी कमजोरी रही है। आने वाले समय में उस भूल को सुधार करेंगे और कांग्रेस की पुनः तैयारी हमारी लोकसभा की चालू हो जाएगी। जांजगीर में जब बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस के राज्य में सरकार बनी, ऐसा नहीं कांग्रेस की ऐसा नहीं है। भले ही आप लोग बोल रहे हैं, परंतु इसके पहले भी चंदेल जी विधानसभा के सम्माननीय उपाध्यक्ष रहे हैं, मोतीलाल जी भी सरकार में समय भी जीते हैं, माननीय महन जी भी जब जीते थे तो सरकार के मंत्री थे। उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की इतनी अच्छी घोषणा पत्र जो काम किया है हम जनता के बीच तक नहीं पहुंचा पाए और भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे फार्म भरवाकर अनर्गल प्रयास प्रचार तंत्र को बढ़ाकर वो भले ही आज जीत हासिल कर ली है, परंतु जनता, मुझे आशा भरोसा है कि वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है, साल भर के बाद यही जनता पुनः भूपेश बघेल और कांग्रेस को याद करेगी। धन्यवाद जी सर। ये अभी चुनाव का परिणाम है, किस तरह का परिणाम रहा? जांजगीर विधानसभा के अंतर्गत जो 3 विधानसभाएं थी, जांजगीर, अकलतरा और पामगढ़ में सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के बीच में प्रारंभ कराया गया था। संपूर्ण मीडियाकर्मी, जनप्रतिनिधि और के सहयोग से बड़े शांतिपूर्ण ढंग से 3 विधानसभा का मतगणना का कार्य संपन्न कराया गया है। और 3 आरोपियों द्वारा बीजी प्रत्याशी जो कि कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे, इनको 3 को प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है।